सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बहुत सारे चीजें कैलकुलेट करनी, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें वर्टाइसेस क्या होती हैं, टोटल वर्टाइसेस, टोटल कॉर्नर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं क्लस्टर में, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम पहले भी देख चुके हैं कि जो मेटल क्लस्टर होते हैं उनका जो है किस तरह से हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं कि वो किस टाइप के बोरेंस वगैरह, अगर हम इन टर्म्स हम बात करें कि कौन से टाइप के बोरेंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जो कि क्लस्टर फॉर्म करते हैं, हाई न्यूक्लियर है तो ऑब्वियसली बहुत सारे वहाँ पर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और वो मिल करके क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे जब क्लस्टर होंगे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनका जो है स्ट्रक्चर कौन से क्लासिफिकेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। साथ साथ इसी आप इसी के उसमें हम बहुत सारे और पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बन भी चुके हैं, ठीक है, जिसमें स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे इसको काउंट किया जाता है ऐसे क्लस्टर में, तो इन सब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबको पता होगा ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे पहले हम सीखते हैं किसी मेटल क्लस्टर में कि वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं जब हम मोनोन्यूक्लियर या छोटे जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्लस्टर कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां पर उसके ऐसे आपके कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करते हैं, कैसे बोरान्स में आपके जो होते हैं डिफरेंट टाइप के बोरान्स होते हैं उनमें कैसे हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं। तो ध्यान देना, अगर हम बोरेंस की बात करें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको काउंट करेंगे, सिंपल सी बात है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बोरान के पास कितना होता है, तीन होता है, तो थ्री इंटू कि जितने बोरान होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बोरान के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो थ्री इंटू नंबर ऑफ बोरेंस प्लस वन इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन के कारण आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां पर। और यहाँ पर उस बोरेंस के ऊपर प्लस माइनस चार्ज क्या है, तो ऑब्वियसली जब उस कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो आपको जोड़ना है, और जब वो क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा सॉरी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां पर उसको घटाना है, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो इसको अगर हम काउंट करते हैं, इसके लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो पहले के लिए क्या होगा, तो ये बहुत आसान है, आप तुरंत ही फार्मूले में अगर आप पुट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये सिक्स छः बोरान है, छिया अठारह, ठीक है भाई, और एक हाइड्रोजन का एक, तो छह हाइड्रोजन का ले लीजिए सिक्स इंटू वन प्लस, देखो निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए जोड़ना है, निगेटिव चार्ज के लिए आपको दो जोड़ देना है, कितने होंगे भाई 18 और 2 20 एंड 6 26। तो ये तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, फार्मूला ये जो होता है ये आपके एग्जांपल्स हैं, तो इसमें अगर आप आसानी से इनको नंबर ऑफ बोरान दे करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन करके प्लस माइनस चार्ज को इंक्लूड करके आप आसानी से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर देखें तो थ्री हाँ इसमें हाँ बोलिए सर, इसमें प्लस हो या माइनस हो जैसे भी चार्ज में तो उसको कंसीडर नहीं करते ना, डायरेक्टली हमको ऐड करना है नंबर को चार्ज का। आप बोलिए मतलब मेरा समझ नहीं आया, अगर ये 2 माइनस है तो माइनस दैट इज यहां पर इलेक्ट्रॉन को ये ऐड किया है,
और हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो माइनस तो इसी यही तो ऐड किया है तभी तो माइनस हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो कितने माइनस लिया है, दो माइनस, इसलिए इसको मैं जोड़ दिया। अब जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पर, चलो यहाँ पर ये प्लस टू है, तो प्लस टू है तो प्लस टू का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन ये निकाल चुका है, तो जब इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहा हूँ टोटल, तो भैया ये दो दो निकाल चुका है, इसको मेरे घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं ये जो ले रहा हूँ, ये जो ले रहा हूँ आपका, तो ये तो जब ये न्यूट्रल कंडीशन में होगा तब होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल कंडीशन में जब आप लिए हो तो चूंकि वो चार्ज है, तो चार्ज कैसा चार्ज है, दिया है कि लिया है, उसको आपको ऐड करना है, अगर लिया है तो दिया है तो यस ठीक है। इसमें अगर देखो तो ये 3 × 7 दैट इज 21 प्लस 7 प्लस 2 ठीक है, तो ये तो आपके 28 हो गए, और 28 और 2 30, तो मेरे ख्याल से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसमें बात करते हैं नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन की। अब नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि भाई बोरेन्स है तो वो अगर सपोज मान लो क्लस्टर बनाया सर, वो प्रीवियस स्लाइड में जो सेकंड वाला जो एग्जांपल था, हाँ सर उसको प्रीवियस करूंगा। हाँ, जैसे ये B5H9 है, तो उसको मतलब जो हाइड्रोजन है उसको बोरॉन के इक्वल लाएंगे क्या पहले? ना 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 ना, ना कुछ उसके बाद चार्ज, अरे कुछ ऐसे ही ऐड कर देना है। ना ना, अभी तुम क्या कर रहे हो, क्लोजोनिडो थोड़ी निकाल रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको देख रहे हो, तो अरे 3 × 5 और प्लस 9 × 1 और आपका जो है कोई चार्ज नहीं है, इसलिए जीरो कर दो उसको, 5 × 15 15 और 9 24 ठीक है, समझ आया? तो अभी आप क्लोजोनिडो कुछ नहीं निकाले, और अच्छी बात बताओ, अरे तुम वो भी करोगे ना तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलेगा, क्योंकि जितने हाइड्रोजन निकालोगे उसके ऊपर उतना माइनस लगाओगे और उतने माइनस को तुम यहाँ पर जोड़ोगे, यस ठीक है। अब बात करते हैं हम स्केलेटन और नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले देखो स्केलेटन और नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, स्केलेटन मतलब समझते होगे कि ढांचा, ठीक है। अगर भाई बहुत सारे जैसे कि वो बोरेन्स है, बहुत सारे हाई न्यूक्लियर अगर हैं, B6S6 B10H10, तो सिंपल सी बात है आप जानते होंगे कि बोरॉन्स लोग सब ऐसे जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, या कोई भी जैसे कि आपका CO4 CO12 ऐसे जो बहुत पॉलीन्यूक्लियर आपके जो क्या होते हैं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उन लोग ना क्लस्टर बनाते हैं जब, तो भाई क्लस्टर तभी बनेगा जब एक दूसरे से एकदम ऐसे जुड़ते जुड़ते जाए, तो ये जब इनके बीच जो आपकी बॉन्डिंग होती है जो क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती है, ठीक है, वो आपका कहलाता है स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, कि उसके स्केलेटन बनाने के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे वो। अब नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कौन कहलाएंगे, तो भैया नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन जो है, अब बोरान जो है दो तरफ से तो जुड़ गया है इधर से, चलो मान लो ठीक है, अरे लेकिन क्या पता बोरान के पास और भी इधर बॉन्डिंग किए होंगे टर्मिनल कंडीशन में, जैसे ये मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इन लोग तो इस स्केलेटन के पार्ट नहीं है, इन लोग तो अपना टर्मिनल अलग है, समझ आया कब? तो ऐसे लोग होते हैं नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड ना, एक मैसेज पढ़ लेता हूँ। सर हेलो, हाँ हाँ बोल बोलो बोलो सर, इसको रिपीट कर दीजिए, तो थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था मेरे को। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, अच्छा इसको रिपीट करना है, देखो
मैं ये बोल रहा था कि अब ये बोरान है, अब बेचारा बोरान है, सपोज मान लो ये BH3 बनाता है, लेकिन चलो यहाँ पर ये BH2 इधर से सिंपल सी बॉन्डिंग है, और अगर मान लो कि चलो ये इधर से ऐसे दूसरे बोरान्स लोगों को साथ जोड़ रहा है, फिर ये जो है ऐसे दूसरे इधर बोरान से जोड़ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि इधर की ये जो सब इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन्स ये क्या इस स्केलेटन को बनाने के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये क्लस्टर बनाने के लिए जो ढांचा बन रहा है ना उसके लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपके क्या कहलाए जाएंगे कि स्केलेटल इलेक्ट्रॉन। अब भाई अब बोरान बेचारा बोरान के ही तो तुम तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, तो तुम तो इनको भी गिने हो, ये हाइड्रोजन लोग दिए हैं उनको भी तो गिने हो ना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, लेकिन इन लोग तो देखो इधर तो ये स्केलेटन बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इन लोग तो अपन टर्मिनल कंडीशन में, ये लोग तो बोलते हैं भैया हमको तुम्हारे क्लस्टर से कोई मतलब नहीं है, ये तो बोरान है जो इधर से जाके जुड़ गया तो हम इनसे कनेक्टेड हैं इसलिए ऐसे क्लस्टर के पार्ट हैं, ये जैसे यहाँ से छूटा तो हम तो बाहर, हमारा कोई योगदान नहीं। मतलब अगर ये बोले कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सब क्या है, नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यस सर। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दो तरीके समझाऊंगा, जब मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए आप नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट करेंगे, और दूसरी चीज जब आप ट्रांजिशन ग्रुप एलिमेंट के लिए नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है स्केलेटन के पार्ट नहीं होते। तो देखिए मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए ये जो नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 into number of boron, दैट इज कि एक बोरान के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक बोरान का 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितने बोरान्स होंगे उसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन जो कि ढांचा बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता, क्लस्टर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर मैं ये बोलूं कि ट्रांजिशन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए क्या है, तो जैसे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन के पार्ट हैं, वैसे ही जब ट्रांजिशन मेटल होता है तो उसके 12 इलेक्ट्रॉन्स, एक मेटल का 12 इलेक्ट्रॉन जो है नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन का पार्ट होता है। समझ आया अभी? तो कि जितने मेटल्स होंगे ट्रांजिशन मेटल्स उसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस ट्रांजिशन ग्रुप एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स के लिए आपका जो है क्लस्टर के लिए नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन जो है मिल जाएगा। ये एक्चुअली इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है क्यों, क्योंकि मैं एक्चुअल में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो उसके लिए हमको पहले पता क्या होना चाहिए कि नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कितने, क्यों, क्योंकि हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए हैं और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर काउंट हो गया है तो नॉन स्केलेटन पता रहेगा तो उसको घटा देंगे तो हमको स्केलेटन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसी एग्जाम्पल में हम नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहें तो क्या होगा भाई, तो सिंपल सी बात है, अभी हम बोरान्स का देख रहे हैं, तो एक बोरान का कितना इलेक्ट्रॉन जो है नॉन स्केलेटन होता है, 2, कितने बोरान है यहां पर, 6, तो 6 into 2 = 12। तो इसमें जो आपका ये जो क्लस्टर है इसमें से 12 इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो क्या होगा, नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन होगा। समझ आया भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर तुम इसका निकालना चाहो तो 6 into 12 इसमें भी आपका जो है नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन होगा जो कि स्केलेटन का पार्ट नहीं होगा। समझ आया? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, नॉन स्केलेटन निकाल लिए,
तो भाई इस क्लेटन इलेक्ट्रॉन कैसे तो फाइंड आउट करोगे? तो सिंपल सी बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोग लो, लो जो है पेयरिंग में भाग लेते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि इन लोग जो है क्लस्टर के पार्ट नहीं है, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए उन लोग क्लस्टर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन लोग स्केलेटन बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उन्हीं के बॉन्डिंग वगैरह से तो क्या होगा, क्लस्टर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन और टोटल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन। ये तीनों जो है एक ही चीज होता है। स्केलेटन मतलब समझ गए कि ये ढांचा मैं बोल रहा था पूरा, एक जो क्लस्टर बनाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं। ठीक है, अभी जैसे कि अगर आप कुछ कोई ग्रुप बनाते हैं, तो भाई उस ग्रुप में आप फंडिंग होती है एक, तो फंडिंग जब होती है तो वहां पर ऐसा थोड़ी है कि भाई कि यहाँ पर एक मैं अगर फंडिंग करता हूँ तो मैं यहाँ से जो अमाउंट दिया हूँ वहां पर शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो मेरे को ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए दैट इज उस क्लस्टर में इन्वॉल्व करने के लिए ये जो मैं डोनेशन कर रहा हूँ वो इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि मेरे पास यहीं से पैसा हो, भाई मेरे को इधर से पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा होगा कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो, दान का काम कर रहे हो, तो मैं आपको पैसे कमी होगी तो मैं इधर से दूंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या, ये जो है स्केलेटन का पार्ट नहीं है अभी, लेकिन ये जो शेयरिंग है वो स्केलेटन का पार्ट बना रहा है। तो टोटल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन के कारण एक वहां पर ग्रुप का पूरा फ्रेम बन जाएगा कि कितने लोग कितने कोनों से कोने से जुड़े, अरे चारों दिशा से यहाँ पर जुड़ गए तो इसका एक फ्रेमवर्क अलग होगा, अरे तीन ही लोग जुड़े तो उसका फ्रेमवर्क अलग, अरे दस लोग जुड़ गए तो उसका फ्रेमवर्क अलग होगा। तो उस फ्रेम को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, उस स्केलेटन को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, उसी को ही बोलते हैं स्केलेटन इलेक्ट्रॉन और फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन, और इसी को ही बोला जाता है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज पूछता है आपको, तो आपको समझना है कि पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कुछ नहीं है बल्कि वो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन ही है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कैसे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है सिंपल सा, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट या फिर टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन काउंट या फिर टोटल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन काउंट, ये बराबर होता है आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे उनमें से जितने नॉन स्केलेटन थे उसको अगर मैं घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन। और स्केलेटन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन, और यही क्या कहलाता है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीईसी। कई बार सीधा पूछता है कि पीईसी कैलकुलेट करो, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बताओ। ठीक है, अब अगर मैं बोरोन्स के टर्म में, सॉरी बोरोन बोलते बोरेन्स के टर्म में अगर मैं तुमको समझाऊं, तो बोरान के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है भाई, तो सब बोलेंगे बोरान के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं क्या बोला कि मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए कितने जो है नॉन स्केलेटन होते हैं, दो होते हैं क्या भी? तो बच क्या गया बेचारे के पास, तीन में से एक ही तो बच गया जो किसका पार्ट होगा, क्लस्टर का, जो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। समझ आया क्या? तो देखो इसके लिए आपका एक और फार्मूला हो जाता है जो कि एग्जैक्ट बैठता है, नंबर ऑफ बोरॉन्स प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस माइनस चार्ज। आपको अगर सीधे ही जाना है, आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं निकालना है, तो आप क्या करना, नंबर ऑफ बोरॉन्स, जितने नंबर यहां मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया हूं, ठीक है, नंबर ऑफ बोरॉन्स प्लस जितने हाइड्रोजन होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस माइनस चार्ज। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत?
कैसे? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब आपको क्या मिल गया? पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट मिल गया, दैट इज टोटल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो अगर मैं इसका पेयर बनाऊं, ठीक है, टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कितने थे, सपोज मान लो 16 थे, तो मैं इसका क्या बनाना चाहता हूँ, पेयर बनाना चाहता हूँ। तो 16 का कितना पेयर बनेगा? ऑब्वियसली दो लोगों का एक पेयर। यहाँ पर जितने फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने पीईसी आएंगे, जितने स्केलेटन इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसको आप दो से डिवाइड कर देना, तो उसका क्या बन जाएगा, पेयर। क्या बन जाएगा? पेयर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और यहां तक पहुंचने के लिए तुमको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ साथ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको दो से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा, टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर। कभी कभी इसी को जेड से भी मेंशन किया जाता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग फिर क्या निकलता है, अभी तक मैं तुमको तो काउंट करना सिखा रहा हूं, ये जो जेड का वैल्यू निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा वो क्लस्टर जो है आपका क्लोजो होगा, नीडो होगा, अरेक्नो होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको पता लगाना बहुत जरूरी है। और उसी क्लासिफिकेशन के लिए जो आपका मेथड्स है उसको मैं आपको वहां पर आगे डिस्कस करूंगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर बोरॉन प्लस नंबर हाइड्रोजन प्लस चार्ज है प्लस माइनस। देखो कॉपी पुस्तक जो है, कॉपी पेन लेके मतलब बैठना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। yes, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक तुमको पूरा फ्रेमवर्क पता चल गया, स्केलेटन पता चल गया, नॉन स्केलेटन पता चल गया, उसके पेयर्स पता चल गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछता है आपको कि टोटल वर्टाइसेस कितने हैं। टोटल वर्टाइसेस दैट इज उस क्लस्टर में कितने कॉर्नर्स हैं, उसको काउंट करवा लेते हैं। और उसको कैसे काउंट करते हैं, तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल वर्टाइसेस दैट इज टोटल कॉर्नर्स कितने हैं उसको पता करने का ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आप क्या पता लगा लिए, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन का पेयर पता लगा लिए, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पता लगा लिए। तो इसका फॉर्मूला जो होता है टोटल वर्टाइसेस या फिर टोटल कॉर्नर्स, ये बराबर होता है आपके टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स माइनस वन, टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स माइनस वन। तो यहां पर आप एक चीज सुधार लेना, ये क्या होगा आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा हाँ, ये तो लिखा है पेयर, सर मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि ये जो आप जेड निकाल रहे थे उस जेड से एक आप उसको घटा देंगे तो आपको क्या पद मिल जाएगा, टोटल कॉर्नर्स। जैसे कि देखो यहाँ पर ये वर्टाइसेस है, पॉलीहेड्रॉन जो है उसमें एक वर्टाइसेस सिक्स दिखाया गया, दैट इज इसके पास सिक्स कॉर्नर्स होंगे। तो देखो जब क्लोजो होगा तो कंप्लीट सभी कॉर्नर्स में आपको यहाँ पर यूनिट्स मिल जाएंगे इसके। अब एक जो यूनिट खाली होता है तो आपका जो है वो नीडो में कन्वर्ट होता है, और दो यूनिट जब खाली हो जाएगा तो वहां पर वो अरेक्नो में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कॉर्नर सभी भी कितने हैं, सिक्स हैं। तो क्लोजो भी सिक्स वर्टाइसेस रख सकता है, नीडो भी सिक्स रख सकता है, अरेक्नो भी सिक्स रख सकता है, समझ आया। तो ये कॉर्नर से क्या कहलाते हैं, वर्टाइसेस। निकालने का तरीका क्या है, टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, दैट इज जो जेड बात कर रहे थे, उससे एक कॉर्नर आपका क्या होगा, आपके पास उस स्ट्रक्चर या उस क्लस्टर में होगा। ये फॉर्मूला याद आया क्या, आई मीन समझ आया क्या, याद रहेगा सर?
सर इसमें छह वर्टाइसेस है, तो जब ये क्लोजर से नीडो में चेंज होगा तो फिर ये निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बचेगा कौन? फिर छह क्यों काउंट कर रहे हैं नीडो में या अरेक्नो में? वही तो बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉर्नर्स होंगे, अब वो क्यों कर रहे हैं वो आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो है इसके पास कॉर्नर जो है इस कंडीशन में जो सिक्स हैं, यहाँ भी वो सिक्स कॉर्नर्स रखेगा। अलग बात है कि उस कॉर्नर में कोई है नहीं, ठीक है सर। और अगर ये वर्टाइसेस 5 हो जाएगा तो क्लोजर होगा कि नहीं? मतलब 6 वो 6 तो वर्टाइसेस रहेगा, होगा, ठीक है। आगे एग्जांपल भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस ये होंगे तो वहां पर वो क्लोजर होगा, नीडो होगा, अरेक्नो होगा। देख तो रहे वो 6 है तो वो क्लोजर भी है, नीडो भी है, अरेक्नो भी है, ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स निकालोगे इन सभी के लिए, अभी अगर ये 6 है तो 6 में एक जोड़ दो, टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? 7। ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर 7 रहेगा तो 7-1 करूंगा तो टोटल कॉर्नर्स मेरे 6 निकल जाएंगे, चाहे वो क्लोज हो, चाहे वो नीडो हो, अरेक्नो हो, क्लेडो हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलो आगे मैं दिखाता हूँ एग्जांपल्स में, ये है सब चीजें, ठीक। पहली चीज, फॉर्मूला सबको याद हुआ क्या? चलो अब एग्जांपल जो बात कर रहे थे उसकी करते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत सारे यहाँ पर मैंने क्या किए हैं, एग्जांपल्स लिए हैं बोरेंस के, और सबको पता है कि अगर ये B6H6-, ये B5H9- है, तो ऑब्वियसली ये किस कैटेगरी का होगा? नीडो का होगा, क्योंकि इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्वियसली ये यहीं से तो आया है, B5H4-, यहाँ पर B4H10, इसका मतलब क्या है? B4H4-, तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, चाहे वो ये दिया रहे क्वेश्चन में, चाहे वो ये दिया रहे क्वेश्चन में। अपना काम क्या, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट दी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब काउंट करोगे तो कितना आएगा इसके लिए? दिखाऊं भाई मैं? चलो 26 आ रहा है क्या भाई? यस सर। इसके लिए 24 आ रहा होगा, इसके लिए 22 आ रहा है, 30, 28, 26, तो ये सही है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद हम क्या करते हैं, पीईसी क्या करते हैं भाई? पीईसी पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो मेरे को घटाना कितना है? तो ऑब्वियसली जितने बोरॉन्स हैं उसके इंटू 2 गुना इंटू 2, तो यहां पर माइनस कितना हो जाएगा? 26-12, ठीक है। यहां पर कितने हो जाएंगे? 24-10, यहाँ पर ऑब्वियसली 4 × 2 = 8, समझ आया? तो यहाँ पर पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, कितना निकल के आएगा? 4 14, और ये 1 14, और इसके लिए कितना निकल के आएगा? ऑब्वियसली 14 14। तो कौन बोल रहा है इसके लिए भी क्या आएगा? 14। समझ आएगा? अब चलो मैं थोड़ा सा, अब बात छेड़ भी गई है तो एक बार देख लेते हैं, ये कौन सा कैटेगरी का है? क्लोजो? यस सर। ये कौन से कैटेगरी का है? नीडो। और ये कौन से कैटेगरी का है? सभी में पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 14 है तो किसको बताने में टाइम लगेगा कि यहाँ पर इसका पेयर जो है क्या होगा? 7 7 7 7, यस सर। अरे समझ आया? यस सर। और अगर 7 होगा तो उसका अगर इस वर्टाइसेस और कॉर्नर अगर पूछता है तो 7-1 दैट इज ऑल हैव 6 कॉर्नर्स, चाहे तुम क्लोजो हो, चाहे तुम नीडो हो, चाहे तुम अरेक्नो हो। अरे ये कौन है? तो ऐसे लग रहा है कि ये भी क्या है,
क्लोजो, क्लोजो क्या है नीडो, ये भी क्या है आपका अरेखनो, सेम सेम है क्या, अंतर क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 × 14 माइनस करो रे, यहाँ पर 12, यहाँ पर कितने, अरे बताओ भाई, 5 × 10 कितना आएगा, 16, 16, समझ आया, सब में क्या होगा, सब में क्या होगा बताओ, पेयर क्या होगा, 8, और जब पेयर 8 होगा तो भैया कितने कॉर्नर्स होंगे, 7, तो इसमें देखो सभी में 6 कॉर्नर, इसमें देखो सभी में 7 कॉर्नर, और है वही क्लोजो नीडो अरेखनो, ये भी क्लोजो ही नीडो है अरेखनो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कितने कॉर्नर्स होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है कि वहां पर भैया कितने उसके पास स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और ऑब्वियसली सर सिर्फ ये तीनों क्लोजो नीडो अरेखनो में, बस बाकी हाइपोक्लेडो में नहीं होगा, देख लेना आप, चेक कर लेना जब इतने सारे एग्जांपल्स पढ़े हो आप, ठीक है, अरेखनो क्लेडो सबके पढ़े हो आप, क्या कर लेना उसको, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट निकाल लेना। तो मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप जितने प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा सीखेंगे, उतना ही अच्छा आप रिफाइन होंगे कि हाँ अरे नहीं इसमें नहीं पाया जाता, सब कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हो रहे हैं इसमें नहीं हो रहा, तो कुछ काम तो आपका भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सबको पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूँ तो पेयर जो है इसमें 7, इसमें 8, और इसको काउंट कर लेना 13 आएगा, ठीक है। और जब फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर ये हैं तो इसमें से सभी में -1 -1 करोगे तो वो कॉर्नर निकल जाएगा, तो इसमें देखो 12 कॉर्नर्स, और ये भी क्या है क्लोजो ही है, ये लो भाई, इन सभी में 6 वर्टाइसेस हैं, दैट इज 6 क्या है कॉर्नर्स, समझ आया, इसमें 7 और इसमें 12। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है, ये पेरेंट पॉलीहेड्रॉन, जैसे कि अगर मैं बोलूं तो ये क्लोजो आपका जो है, इस क्लोजो से ही तो आपका जो है इन लोगों का बेचारे का व्युत्पत्त होता है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन इन द सेंस ट्राई करते रहते हैं, अरे एक यूनिट को निकाल के देखो तो कौन सा कैसा दिखेगा इसका स्ट्रक्चर, दूसरा यूनिट को निकाल के देखो तो कैसा दिखेगा इसका स्ट्रक्चर, तीसरा यूनिट निकालो, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, फ्रेमवर्क में कितने होंगे, नॉन स्केलेटन कितने होंगे, तो कितने कॉर्नर्स होंगे, तो यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए एक साथ, ठीक है, निकालोगे क्या, काउंट कर लोगे बोरेंस में, यस सर, ठीक, यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात करते हैं मेजर पोर्शन आज के लेक्चर का, ये पूरा मुद्दा इसी पे बात हो रही थी कि हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर में इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, मतलब कैसे पता लगाएं कि कौन सा जो है कौन से क्लासिफिकेशन को बिलोंग करेगा। क्यों, दिक्कत ये था कि हम सब चीज कर लिए कि इसमें आइसोलोबल वाला, आधे में तो आइसोलोबल कॉन्सेप्ट लगा दिए थे, अरे ठीक है ना MnCO5 दिया है, हम बोरान के टर्म में पढ़ के गए हैं तो बोरान के टर्म में उसको आइसोलोबल से हटा दो ना, सीधा बोरान में कन्वर्ट कर दो MnCO5 को, MnCO5 इतना इलेक्ट्रॉन देता है 17, तो 7 के टर्म में उसको तुरंत वो कर दो, और वहां से हम उसको बोरान में कन्वर्ट करके उसको क्या निकाल लेते थे, वो क्लोजो होगा कि नीडो होगा कि क्या होगा। लेकिन जब आपके 5 से ज्यादा आपके मेटल्स प्रेजेंस हो रहे थे इस पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जब बने, तो ऑब्वियसली वो क्लस्टर के फॉर्म में जो है वो पुराने जो आपके LNCC दैट इज लो न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए जो आपका फार्मूला यूज होता है, जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको ये फॉलो नहीं करता। तो इसके लिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट्स है, कौन कौन से मेथड्स हैं, इसको हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले तो भाई हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होता क्या है, तो यहाँ पर इसके 2 मेथड्स हैं, और देखिए हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल क्या होता है, तो अगर आपके जो मेटल एटम्स 5 या 5 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर इनमें
एक भी अगर मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंस रहती है, अगर क्लस्टर फॉर्म में अगर ये जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पर इनको हाई न्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्स क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका HNCC डिस्कवर हुआ है वो है आपका RH6CO16। इसका मतलब ये है कि भैया इसका तो भी आपको जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो हमको पता होना चाहिए कि तुम कौन से बोरेन को क्या करते हो, बिलोंग करते हो। तो कोई बोल रहा होगा कि सर चलो ना पहले जैसे करते थे वैसे ही करते हैं, यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं पहले से आइसोलेबल कॉन्सेप्ट में, बोरान वोरान में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भैया अब तोड़ोगे भी तो कैसे तोड़ोगे, RHCO बाहर में तुमको सिक्स करना पड़ेगा, और जब सिक्स करोगे तो छह के पहाड़ा में कहीं भी 16 नहीं आता, समझ आया। तो कार्बोनिल को अंदर कितना रखोगे, ऐसे हाफ ऑफ करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे वो कॉन्सेप्ट तो इनमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों का हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, इनके कैसे हम इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे, उसको सीखते हैं। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे दोनों मेथड्स को, लेकिन लास्ट में ये देखेंगे कि कौन सा जो है हमारे लिए सुटेबल है, क्योंकि काम दोनों वही करेंगे तो हम वो काम करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेथड वन। और मेथड वन अगर हम बात करें तो मेथड वन में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हमको जरूरी पड़ता है क्या क्या कैलकुलेट करना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स क्लस्टर में कितने हैं ये काउंट करना हमको आना चाहिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट इन मेन ग्रुप, जैसे बोरेन भाई हम उनको किस टर्म में बात करेंगे, सिंपल सी यहाँ से हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए, लेकिन उसको हमको क्लोजोनिटो बताने के लिए उसको मेन ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट इन मेन ग्रुप, फिर उसका क्या वैल्यू निकलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको किस टाइप के बोरेन्स में क्लासीफाई करें। तो पहले मैं फर्स्ट मेथड को बता देता हूँ, देन फिर बात करूंगा सेकंड मेथड को। तो इसको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कब किसके लिए सुपर क्लोजो, कब किसके लिए हाइपर क्लोजो, नीडो और एक्नो, किसी को याद नहीं होगा तो फिर देख लो एक बार, और ये तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये जब बार बार जब रिपीट हो रहा है तो भैया इसका एक पेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज अगर इसको पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे इससे रिलेटेड, और अगर ये भूल जाते हो तो बहुत जगह आप क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो देखो सबसे पहले अगर BnHn2+ दैट इज सुपर क्लोजो की कैटेगरी में कब आएगा, जब उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो काउंट करोगे आप कॉम्प्लेक्स क्लस्टर में वो होना चाहिए 14n-2, और 10 कम कर दोगे मेन ग्रुप के लिए तो वो हो जाएगा 4n-2, और n का वैल्यू यहां पर मैं मेंशन करता हूं, जब क्लस्टर की बात करोगे कॉम्प्लेक्स क्लस्टर की तो वहां पर n क्या होगा, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम दैट इज सेंट्रल मेटल। और जब यहां पर हम इसकी बात करेंगे मेन ग्रुप की बात करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे बोरॉन्स की, नंबर ऑफ बोरॉन एटम, एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ बोरॉन। तो अल्टीमेटली चलो हम ये बोल देते हैं नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल होगा, मेन ग्रुप एलिमेंट होगा तो बोरॉन वगैरह होंगे, समझ आया क्या भाई। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन पहले इसके लिए फार्मूलास को देख लेते हैं कि कब किसके लिए कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो किस कैटेगरी में आएगा। तो 14n-2 कैटेगरी में होगा, दैट इज 4n-2 फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट, तो वहां पर ये जो है सुपर क्लोजो की कैटेगरी में आता है। तो यहां से इस मेथड से तुम बोरॉन्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी को पिछला वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आता है तो तुम यहां से भी इसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। मेन ग्रुप के लिए अगर जो तुम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो वो 4n-2 की कैटेगरी में आता है तो वहां पर वो सुपर क्लोजो के उसमें जाएगा, और वैसे ही
अगर वो 4n होता है, इस कैटेगरी में 4n और कॉम्प्लेक्स में 14n, तो वो हाइपर क्लोजो होगा। और यहाँ पर देख रहे होगे जब मैं नीचे आया तो दो आपके क्या हो गए, यहाँ पर बढ़ गए। तो सिंपल सी बात है, थर्ड में क्या हो जाएगा, क्लोजो में 4n प्लस 2 और कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा 14n प्लस 2। वैसे ही फिर से दो आप इंक्रीज कर दीजिए नीडो के लिए, 14। अच्छा इसको थोड़ा सा आप सुधार लेंगे, ये जो है 14n प्लस 4 होगा, ये कॉपी पेस्ट करते टाइम आपका जो है वो सेम टाइप का हो गया, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा आपका 4n प्लस 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14n प्लस 6। 4n प्लस 8, 14n प्लस 8, 4n प्लस 10, then 14n प्लस 10 फॉर कॉम्प्लेक्स। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भैया, इलेक्ट्रॉन्स का जब किस्सा होता है तो कॉम्प्लेक्स और मेन ग्रुप में 10-10 का ही तो गेट होता है। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि कितने का गेट था यार, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना। ज्यादातर जगह हम क्या पढ़े हैं, 10 का गेट ही तो पढ़े हैं, ठीक है। 18 के लिए 8, समझ आ रहा है, तो 14 के लिए 4। अगर किसी को दिक्कत हो याद करने में तो भैया देख लेना क्या 4n प्लस 2 था कि 4n प्लस 4। तो ये सुपर क्लोजो हाइपर क्लोजो को याद मत रखना ज्यादा, क्योंकि तुम तो ऐसे ही निकालोगे, याद कहाँ से करना क्लोजो से। तो क्लोजो के ऊपर जो माइनस 2 है तो हमको पता है भैया, जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको तो जोड़ना पड़ता है। तो जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4n तो सब में है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है माइनस 2, उसी को उसको ऐड करो ना, 4n प्लस 2, 4n प्लस 4, 4n प्लस 6, 4n प्लस 8। क्योंकि मेरे ख्याल से ये सब तो अभी कितने लोग हैं जो इसको याद नहीं होगा, सबको याद हो गई। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बात हुई, जब आप भूल उल जाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूज वगैरह हो जाओगे, तब के लिए थोड़ा सा जुगाड़ बना के रखना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये था आपका मेथड वन। मेथड वन में जरूरी क्या है, आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए, और वो तो हम सीख चुके हैं। तो ये थोड़ा सा इजी टाइप का लग रहा है, तो हमको इजी कठिन भी लगता है। तो चलो हम अब बात करते हैं मेथड वन की, सॉरी मेथड सेकंड की। इस सेकंड मेथड में हम कब क्लोजो नीडो क्या कब क्या बोले हैं, तो देखिए मेथड टू में आपको काउंट करना पड़ता है स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। मेथड टू में क्या काउंट करना पड़ता है भाई, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ आया क्या? अब अभी मैं आपको पीछे लेक्चर में पूरा बता दिया हूँ कि नहीं, कि कैसे स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करवाता है आपको। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, उसके बाद फिर उसको स्केलेटन टोटल स्केलेटन में काउंट करते हैं, फिर उसका फिर पेयर बनाते हैं। तो ये आपका स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको आपको निकालना है। निकाल लोगे क्या? अब आप बोल रहे होंगे कि यस, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सर ये जो सेकंड मेथड है उसमें तो तीन स्टेप हमको आगे जाना पड़ रहा है, इसमें हमारा काम कहाँ पर हो जा रहा है, पहले स्टेप में। इसके लिए तो ये काम तो करना ही पड़ता है, तो सर हमको जब इस रास्ते से गुजरना ही है, ठीक है, तो और आगे क्यों चलना जब हमारा काम यहीं पर हो रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी इंक्लूड हो गए। अगर सपोज मान लो कि तुमको वो क्लोजो नीडो ना पूछ रहे, क्या पूछ दिया, कितने स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो काउंट करने आना चाहिए। इसी रास्ते में कौन पड़ जाता है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, तो अगर क्वेश्चन में वो आ गया तो वो भी तुम सीख गए हो। तो इस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो आपका मेन मोटो भी हो जाता है, और बीच में अगर वहां से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ गए तो भी तुम उसके लिए क्या रहते हो, तैयार रहते हो कि वहां से भी क्वेश्चन आया तो हम क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हो? तो आपको हर बार किससे सॉल्व करना है, सेकंड मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि तुम्हारा बार बार रिवीजन होगा स्केलेटन इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए, उसके पेयर्स काउंट करने के लिए, नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए, ठीक है भाई। तो जब सपोज मान लो तुमने स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लिए, काउंट कर दिए, तो उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद कौन सा फार्मूला आएगा तो हम उसको क्लोजर बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले के लिए सुपर क्लोजर के लिए एन माइनस वन होता है, और एन क्या है, नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये एन होगा, इसमें क्या होता है एक एक के क्रम में बढ़ते जाता है। सेकंड में क्लोजो के लिए एन प्लस वन, देन नीडो के लिए एन प्लस टू, अरेक्नो के लिए एन प्लस थ्री, हाइपो के लिए एन प्लस फोर, प्लेडो के लिए एन प्लस एन क्या है बोले, एन जो है नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, चाहे वो आपका बोरान का हो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स के लिए हो, ठीक है, समझ आया क्या भाई। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा कि ये चार्ट किसको समझ गया, जो पिक्टोरियल बनाया हूं मैं वो किसको समझ गया है, क्योंकि पूरा आज का लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड है। अब हमको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि फिर आगे अगर इन सब चीजों को नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे दिक्कत होगा ना। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक, तो देखो एग्जांपल्स, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं इन्हीं की, जो हम पिछले देखे हैं ना उन्हीं लोगों को और एक बार करते हैं। तो क्यों ना मैं सीधा आपको सेकंड मेथड में ले जाऊं, और सीधा क्योंकि वहां पर हम पहले ही सीख चुके हैं कि पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट इसके लिए क्या आया था और उसका पेयर बनाए थे तो कितना निकला था। तो आप सब तो देखे होंगे कि इसके लिए 7 पेयर निकला था, इसके लिए 8 और इनके लिए 13, यही निकला था क्या भाई? यस सर। यस सर। ठीक, तो बताओ जब ये फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स पेयर 7 है तो हम जेड तो निकाल लिए, दैट इज फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर तो निकाल लिए, तो सर वो अब एन प्लस वन वाला एन प्लस टू वाला क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखो यहाँ पर कितने सेंट्रल एलिमेंट हैं, बोरान कितने हैं, नंबर ऑफ बोरान कितने हैं, सिक्स। तो बताओ कब मैं एन का वैल्यू मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर कितना है, सिक्स, एन इज इक्वल टू सिक्स। तो कौन सा फार्मूला रखूं तो वहां पर सेवन आएगा, एन प्लस वन, एन प्लस वन। तो भैया एन में मेरे को एक जोड़ना पड़ेगा तब वो क्या आ जाएगा, सेवन। तो एन प्लस वन के लिए कौन होता है बताओ, तो क्लोजो, क्लोजो, क्लोजो। तो हम तो इसी एग्जांपल को पढ़ के आए थे अभी पीछे कि ये पहला वाला क्लोजो था, दूसरा वाला नीडो था और तीसरा वाला अरेक्नो था। तो क्यों ना अब चेक किया जाए इसमें। अब बताओ जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर तो 7 निकला लेकिन भैया एन का वैल्यू क्या है, 5। तो इस एन में मैं कितना जोड़ू तो वहां पर ये 7 आएगा, तो ऑब्वियसली 5 प्लस 2, और बाकी ये क्या है, एन प्लस टू, और एन प्लस टू कैटेगरी के लिए नीडो। तो यहाँ पर देखो एन का वैल्यू क्या है, 4, और 4 में मैं कितना जोड़ूंगा तो 7 आएगा, 3। तो ये किस कैटेगरी में फॉलो कर रहा है, एन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा अरेक्नो। समझ आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे ख्याल से ये सभी आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप समझ गए इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे काउंट करते हैं, उसमें फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या रोल है और किस तरह से हम उसको यूज में लेते हैं किसी क्लस्टर के क्लासिफिकेशन में। तो देखो सर एक बार ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे आएगा, वही आएगा ना, टेंशन क्यों लेते, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। देखो भाई बोरान एटम इन क्लस्टर, तो सबको पता है एन का वैल्यू वही तो है क्लस्टर में, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूँ कुछ, और थोड़ा समराइज करते हैं। यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ बोरेन को ऊपर में लिखा हूँ, टाइप्स ऑफ बोरेन में दैट इज सपोज मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ कि ध्यान देना, ये सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो और क्लैडो। फार्मूला बताने की मेरी कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हो कब फोरेन एजेंट माइनस टू होगा, माइनस फोर होगा, माइनस सिक्स होगा,
नेक्स्ट जो है इसके लिए मैं सीधा फार्मूला बता रहा हूँ। क्लोजर के लिए अगर तुम काउंट किए होगे तो ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड वन में क्या था इसके लिए 4n-2, 4n, 4n+2, 4n+4, 4n+6 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला फार्मूला किसके लिए मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए मेथड वन यही था। अरे समझ आया। और मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कितना हम लिए थे तो 2n ही तो हम ले रहे थे और 12n किसके लिए था ट्रांजिशन मेटल के लिए तो मेन ग्रुप के लिए 2n 2n 2n। तो यहां से मेरा फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताओ तो ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था 4n-2। ये सपोज चलो मैं क्लोजो के लिए सीखता हूँ तो क्लोजो के लिए 4n-2 और ये तुम्हारा नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन 2n तो इसको मैं घटाऊंगा तो 4n-2n दैट इज 2n तो बचेगा 2n+2 तो ये तुम्हारा किसका फार्मूला निकल गया पूरा फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन का। नया कॉन्सेप्ट जो ऐड होगा वो नया कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की कितने बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं कितने नॉन स्केलेटन ऑर्बिटल्स हैं और कितने आपके स्केलेटन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है तो देखो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मतलब ऑब्वियसली जहां जहां पर क्या हुआ है बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है तो आपका ये सुपर क्लोजो अगर हाइपर क्लोजो को छोड़ करके मैं सीधा आपके मैं ट्रिकी वे में चलूं तो यहां पर आओ सीधा किसके ऊपर क्लोजो पर। क्लोजो के लिए अभी तुम क्या पढ़ के आए हो जेड के लिए पेयर वाला एन प्लस वन तो याद करने के लिए क्या कर लेना एन को अब 2n कर लेना 2n+1। ये क्या होगा तुम्हारे 2n+1 क्लोजो में क्या होगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगे इतने सारे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे मतलब इतने जगह से वो बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है तो नीडो में क्या हो जाएगा ये 2n+2 यहाँ पर ये जो क्या हो जाएगा आपका सॉरी ये थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है 2n+1 ये हो जाएगा आपका 2n+3 और ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं ये 2n+3 एक एक बढ़ाओ ये 2n+4 ये ना हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में वो हुआ है और ये हो जाएगा आपका 2n5। मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट करके आपको दे दूंगा ना। ठीक है समझ आया क्या अभी ये 2n+1 2n+2 एक एक बढ़ जाएगा 2n+3 2n+4 और 2n+5 कोई दिक्कत। अब क्या चीज सर ये वाला जो फॉर्मूला है वो जो ऊपर जो हम लोग 4n+2 वाले में से 2 कॉमन लिए वहीं से बनाएगा। अरे ऑब्वियसली भाई इसे देखो सिंपल से फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन में क्या होता है अगर देखो बॉन्डिंग इसको समझो तुम इसमें आसानी समझाओ नॉन स्केलेटन ऑर्बिटल है नॉन स्केलेटन ऑर्बिटल के लिए कितना लेते हो तुम 2n ये लो दिए हो। अब ये 2n है तो सिंपल सी बात है जब वो ऑर्बिटल्स की बात करूंगा तो भैया वो कम हो जाएगा एक एक बॉन्डिंग में अगर मैं बोलू दो इलेक्ट्रॉन यूज होता है तो अब इसलिए देखो साधा हो गया डिवाइडेड बाई 2 कर लो समझ आया। अरे ये बॉन्डिंग ऑब्वियसली बॉन्डिंग कब होगा दो इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट से तो होगा ये और ये तो यहां पर देखो इसको 2n ले रहे थे तो ऑब्वियसली n क्या होगा बॉन्डिंग होगा तो ये जो नॉन स्केलेटन ऑर्बिटल्स हैं वो उसके लिए बोल रहा है कि ये जो आपका BH का ये सिग्मा बॉन्डिंग है ना सिग्मा बॉन्डिंग उसके कितने सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी BH टाइप का क्यों क्योंकि जब क्लस्टर फॉर्म होगा तो उसमें तो पूरा बुरान बुरान चलेगा समझ आ रहे हैं? तो नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कितने होते हैं सब में n होते हैं क्यों क्योंकि नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन ही कितने होते हैं 2n और एक आपके बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाता है तो डिवाइड कर दो तो उसे तो सभी में कितने आपके क्या होंगे नॉन स्केलेटन ऑर्बिटल होंगे n
यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब बताओ टोटल इतने थे क्या बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जिसमें से नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं, एन। तो अब मेरे को वो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ टोटल फ्रेमवर्क बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो कि सेंट्रल कोर बनाता है उसमें कितने बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। ऑब्वियसली टोटल इतने थे, नॉन स्केलेटन एन होते हैं, सब में एन घटा दो तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, टोटल फ्रेमवर्क बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव। समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है वो तुमको ये पूछ लेता है कि बताओ तो कितने बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं, और वो ज्यादा और क्या पूछ लेता है कितने नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, और अगर पूछना रहे तो ये भी पूछ सकता है कि स्केलेटन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कितने बने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन एक दिखाऊं आपको, तो सपोज एक क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ अवेलेबल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर इन B6S6-2 रेस्पेक्टिवली। तो देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल पूछा है, मतलब कितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स वहां पर बॉन्डिंग के बने, एंटी बॉन्डिंग के नहीं ना, कितने बॉन्डिंग के बने, और नंबर ऑफ अवेलेबल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कैसे होगा, इसके ऑप्शंस हैं, देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो देखो इसका फार्मूला क्या है, सब क्या जी, ए विल बी करेक्ट, कौन सा सी, ए ऑप्शन, ए, ए ऑप्शन, ओके ए। चलो चलते हैं ए है कि बी देखते हैं। तो सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि भैया बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के लिए फार्मूला जो है सबके टाइप के लिए जो वोलेंस होते हैं उसके लिए वेरी करता है, मतलब सबसे पहले मतलब ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला फार्मूला यूज करूंगा। तो मैं इसको देखूंगा कि तुम कौन सा बोरेन हो, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये क्या है, क्लोजो। समझ आया क्या भाई? और जब क्लोजो है तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर कौन सा वाला फार्मूला यूज होगा, 2N+1। अरे होगा क्या, तो ये हो जाएगा, हाँ yes, ये हो जाएगा टोटल बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2N+1। और यहाँ से अगर मैं फार्मूला रखता हूँ तो 6 मेरा क्या है आपका, 6 मेरा क्या है N, तो ये 6×12 और 1×13। तो यहाँ पर दिक्कत हो गई, दिक्कत ऐसे हो गई कि किसी ऑप्शन में मेरे को पहला ऑप्शन जो है 13 नहीं दिख रहा है। तो yes, कौन, तो कौन है भाई जो ए निकाला है? सर मेरे से भी नहीं बन रहा था ये वाला। तो कौन है भाई जो 13 निकाला है, ए सॉरी ए निकाला है, कैसे निकाला है? मैं सर। कैसे निकाल दिए? N+1। तो यहाँ पर तो कहीं भी ये बात नहीं हुई कि आपके जो स्केलेटन मॉलिकुलर और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बताना था करके, ठीक है, या कोर सेंट्रल कोर का जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बताना था, ये तो सिर्फ क्या बोल दिया है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। समझ आया? तो पहले तुमको क्या चेक करना था कि 13 ऑप्शन है क्या, लेकिन यहाँ पर ये 13 ऑप्शन अगर नहीं है तो तुमको ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैच करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दैट इज कि अब कौन सा ऑप्शन जो है हमारे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग दोनों करेक्ट बैठ रहे हैं, दैट इज ये बॉन्डिंग, हाँ ये बॉन्डिंग पूछा है कि एंटी बॉन्डिंग, सॉरी स्केलेटन के लिए पूछा है कि नॉन स्केलेटन के लिए पूछा है,
तो अगर किसी को लगता है सीधा, अरे पहला ऑप्शन जो है स्केलेटन नॉन स्केलेटन के लिए एन होता है और नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग जो आपका ऑर्बिटल होता है एन होता है और यहाँ पर एन का वैल्यू 6 है, बी ऑप्शन दिख रहा है, तुरंत फटाक से क्या करो इसको सही करो, तो थोड़ा सा समझ जाना भैया। सेकंड जो क्या है, नंबर ऑफ अवेलेबल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ अवेलेबल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये पेयर नहीं आएगा ना, इसको थोड़ा सा कट कर देना नहीं तो ऑप्शन कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, कैसे निकालते हो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, बैक करूं फार्मूला, ये लो सर वो है ना क्लोजो के लिए स्केलेटन इलेक्ट्रॉन क्लोजो के लिए, अरे देखो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन को तो क्या बोलते हैं स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, 2n प्लस 2, तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा 2n प्लस 2, तो 2n प्लस 2 जब करोगे ऑब्वियसली n का वैल्यू 6 है दैट इज 14, तो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तुम्हारे पास 14, तो 14 ऑप्शन तो इसमें है और इसमें है दैट इज बी और सी तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखते हैं अगर एन का वैल्यू मैं नॉन बॉन्ड सॉरी नॉन स्केलेटन के लिए अगर मैं गया तो उसके लिए 6 आया वैल्यू, लेकिन यहाँ पर किसी में 6 नहीं है, तो अब एक बार चेक करते हैं क्या ये जो है आपका स्केलेटन इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका स्केलेटन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थोड़ी पूछा है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है एन प्लस 1 और एन प्लस 1 में फार्मूला रखूंगा तो 6 प्लस 1 दैट इज 7, तो उस कंडीशन में आपका क्या आया है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगर ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें स्पेसिफाई ना हो अच्छे तरीके से कि वो कौन सा पूछा है, नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछा है कि बॉन्डिंग स्केलेटन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछा है, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थोड़ा सा देख लेना कि कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, समझ आया ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत कैसे भाई? चलो तो ऐसे थोड़ा ट्रिकी का क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं RH6CO16 जो कि फर्स्ट सिंथेसाइज आपका जो आपको खोजा गया है क्या चीज हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर, उसमें अपन क्या करते हैं चेक करते हैं इन चीजों को कि कौन से ग्रुप को एक बिलोंग्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि n का वैल्यू क्या है, तो पहला मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो बताओ भाई n का वैल्यू क्या होगा, 6 ये लीजिए n का वैल्यू है यहाँ पर 6। अब देखिए हम सबसे पहले क्या काउंट करते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ मैं दैट इज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 इंटू रोडियम जो है 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, तो 9 इंटू 6 प्लस आपके जो है कार्बोनिल का 1 का 2 तो 16 का 32, तो ये हो जाएगा आपका 86। और 86 को अगर मैं ध्यान दूं तो सीधे मैं पहले मेथड से चलूं तो बताओ तो भाई इसके लिए इसका जो है 86 आएगा, ठीक है किसके लिए आएगा भाई, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करो किसके साथ, नंबर ऑफ मेटल्स के साथ 14 को, क्योंकि सब फार्मूले में तुम क्या देखोगे 14 प्लस 14n प्लस 2 14n प्लस 4 14n प्लस 6 ऐसे ही देख रहे, तो 14 तो सब में था, तो मैं क्या करता हूँ पता है मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूँ फिर सीधा 14 को मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर ऑफ किससे मेटल्स सेंट्रल मेटल से, तो कितना आएगा भाई 84, कितना आएगा 84। तो अब 84 में मेरा कितना जोड़ना पड़ेगा तो 86 आएगा, तो 2 जोड़ना पड़ेगा दैट इज ये मेरा क्या हो गया 14, ये मेरा क्या हो गया n और ये क्या हो गया 2 14n प्लस 2, तो मेरे को लग रहा होगा कि ये किसके तरफ जाता होगा क्लोजो क्लोजो समझ आया क्या, तो ये तो हुआ शॉर्टकट, कौन सा कैसा शॉर्टकट मेथड 1।
लेकिन हमको सॉल्व क्या करना है, सेकंड मेथड से करना है ताकि और भी कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्टेक्ट में रहे या फिर हम रिकॉल हमेशा होते रहे। तो देखो सेकंड जो काम है मेरा वो है, देखो यहाँ पर 14n+2 आपका वेरीफाई हो रहा है, पीईसी पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, और वो क्या होता है भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -12 × n -12 × n, वेरी गुड। तो यहाँ पर 6n है आपके, n का वैल्यू 6 है, तो एक जब ये क्या होता है मेटल होता है तो उसके लिए 12n होता है नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको आप घटा दो तो ये 14, ये क्या निकल गया आपका स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, पेयर नहीं ना, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन निकला है और दैट इज उसी को क्या बोलते हैं पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो अब यहाँ से अगर वो पेयर बनाता है तो ऑब्वियसली 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया 7। तो ये जो गेट का वैल्यू है, अब मेरे को ये देखना है कि एन का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 में मैं कितना जोड़ूं तो 7 आएगा, तो ऑब्वियसली 1 जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, दैट इज n+1, और n+1 होता है तो वो क्या होता है क्लोजो। तो देख लीजिए ये आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, देयरफॉर RH6CO16 इज अ क्लोजो मेटल क्लस्टर। क्लियर है, दोनों मेथड से सॉल्व हो रहे हैं, आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। सेकंड अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो देखिए OS5CO15, तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पर अगर इसको मैं क्या सॉल्व करूं तो n बराबर है 5 और n बराबर 5 है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो कार्बन जो है यहाँ पर इनकैप्सुलेटेड होता है, और जब कार्बन इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है तो अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है मेटल को, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 ऑस्मियम आयरन ग्रुप का है, तो आपका 8 × 5 प्लस कार्बन का 4 और आपका ये जो है कार्बोनिल का 15, तो 15 × 30 और ये बराबर होगा आपका 74 के, और ऑब्वियसली इसको मैं 14n से देखूंगा तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करो ना भाई, 14 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा भाई, सिंपल सी बात है 70 आएगा, और 70 में मैं कितना जोड़ूंगा तो 74 आएगा 4, तो दैट इज 14n+4 कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है, ऑब्वियसली बताओ भाई। अरे नीडो, यस नीडो, लेकिन हमको जाना है नेक्स्ट स्टेप में, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर काउंट करते हो तो मेटल इंटू 12 नॉन स्केलेटन को घटा दीजिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो आपका क्या आ जाएगा 14, और जब 14 आ जाएगा उसको आप पेयर बनाएंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 आ जाएगा, और 7 में अगर आपको n प्लस वाला वो प्लस 1 वाला फार्मूला लगाना है तो n का वैल्यू है 5 और 5 को 2 से जोड़ोगे तब क्या आएगा वो 7, दैट इज n+2 वाली कैटेगरी, दैट इज नीडो। तो दोनों ही कंडीशन में आपका क्या आ रहा है नीडो क्लस्टर ये बन रहा है, समझ आया भाई, सॉल्व हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से आराम से सॉल्व होंगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। हाँ तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और सॉल्व कीजिए फटाक से। मैक्सिमम लोगों का रिस्पांस आना चाहिए, ठीक है, और सेम टाइप का आना चाहिए। सॉल्व करें भी सब लोग, सबका रेखनो, रेखनो, ठीक, मतलब सबका रेखनो आ रहा है, मतलब लगभग सही जा रहे हो। तो देखो इसका सॉल्यूशन वैसे ही टाइप के तो बनेगा, देख लीजिए ये है उसका सॉल्यूशन, जिससे नहीं बना होगा वो थोड़ा देख लेना, इसका क्लासिफिकेशन आएगा अरेखनो का, ठीक है, वैसे ही चलो देख ले भाई, जिसका नहीं सॉल्व हुआ है, ठीक है, n+3 और दैट इज 14n+6 को ये बिलोंग करते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए,
आधे लोग तो पहले मेथड से ही सॉल्व कर रहे होंगे, अरे तुरंत वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। अरे क्या करो भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करना है, बढ़िया 6 से गुणा कर दो 9 को, ठीक है फिर जोड़ दो। सबका आ रहा है क्लोजो? चलो तो देखो विद इन 10 सेकेंड आपका सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, मतलब अच्छी चीजें हैं। देखिए क्लोजो क्लस्टर को बिलोंग करता है, दैट इज एन प्लस वन, वेरी गुड। वैसे ही और क्वेश्चन है एक जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, इनकैप्सुलेटेड कार्बन, बताओ इसका क्या होगा भी? क्लोजो। चलो बहुत बढ़िया, सबका एक जैसे आ रहे हैं, मतलब क्या पता है क्लोज हो, वेरी गुड। ठीक है मतलब सॉल्व हो रहे हैं सबसे। चलिए अब क्या होगा बताइए। नीडो नीडो ठीक, वेरी गुड, नीडो क्लस्टर। सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, इसमें हमने बहुत सारे चीजें कवर की, आपके पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, उनके पेयर्स और वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इनके पीछे, इनका क्या यूज है आपके उन क्लस्टर्स के स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में, ये सब बात कर लिए। सबको समझ आया भाई, क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो रहे हैं, किसी को कोई डाउट? ठीक है सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।